नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और एक नया वीडियो मैं फिर से लेकर के आया हूँ। बात करूँगा सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी अभी जो कंप्लीट हुआ था फरवरी मार्च में, उसके कट ऑफ के बारे में बात होगी। आगे अगर आपका मान लीजिए कट ऑफ निकलता है तो आगे क्या तैयारी करें, कैसे करें कि जी आपका एक सीट जो है इसमें कन्फर्म हो जाए, तो इस पूरे टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सीआरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल का भर्ती निकला हुआ था, ठीक है। तो ये जो पद था ये मिनिस्ट्रियल टाइप का पद था। टोटल अगर सीट की बात करेंगे तो 1458 टोटल सीट पे ये भर्ती निकाली गई थी। देखिए, इस पे बताया गया था कि ये टोटल सीट है, टोटल सीट का 10 गुना लड़के को ही आपको आपका स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एग्जाम में। तो जितना भी फॉर्म गिरा है वो सभी लोग एग्जाम दिए हैं, लेकिन कितने लड़कों को बुलाया जाएगा, तो वो मात्र 10 गुना लड़के को बुलाया जाएगा भाई आपका स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट मतलब मान लीजिए 10 गुना लड़के हैं तो 1458 सीट है, तो अगर एक एवरेज मान करके चले तो 15,000 लड़के को यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट के लिए लगभग लगभग बुलाया जाएगा। अब इस 15,000 लड़कों में आपका नंबर आता है नहीं आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम जो था वो 22 फरवरी से लेकर के 11 मार्च का बीच में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम था, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ, सेंटर वगैरह पढ़ा था सभी का, और फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद देखिए एक फ़ायदा क्या होता है ना, ऑनलाइन अगर आपका सीबीटी होती ना तो रिजल्ट जो होता है बहुत टाइमली चलता है, बहुत टाइम से, और रिजल्ट जो है वो आपका आंसर की जो है वो 17 से लेकर के 20 मार्च तक लगभग जारी था। किसी किसी का लेट आउट हुआ है तो 25-26 मार्च तक आपका लास्ट में सबका लगभग रिजल्ट आपको आंसर की दिया है, अभी आंसर की दिया है। फाइनल रिजल्ट जो है वो आना बाकी है, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा ना तो उसमें कट ऑफ कितना बनेगा ये इम्पॉर्टेंट है, और वहीं पर आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो पता चलेगा। अब काफ़ी लोग जैसे आपका आंसर की आ चुका है तो काफ़ी लोगों का मान लीजिए 56, 57, 58, 60, 65, किसी का 20, किसी का 30 बन रहा होगा। सब अपने अनुसार अपना अपना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मेरा हो सकता है, मेरा हो जाए। काफ़ी लोग तो भाई स्किल टेस्ट में जैसे अपना टाइपिंग वगैरह का भी तैयारी चालू कर दिए होंगे, थोड़ा सा संभल जाइए, देख लीजिए पहले। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूंगा तो आपका लगभग अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट में आपका लगभग आपका मान करके चलिए 20-25 के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ, आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका लगभग रिजल्ट का डेट हो चुका है, बहुत टाइमली चल रहा है क्योंकि अभी सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है और इलेक्शन का भी भाग दौड़ है पिछले साल, तो इस साल ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी लगभग 1458 टोटल सीट पे। अब देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है कि भाई मान लीजिए आपने एक स्टेप तो दिया, अगला स्टेप होगा क्या। तो पहला स्टेप था आपका सीबीटी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें, और आपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में पहले तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो होगा यहीं पर ही काफ़ी लड़के, जैसे 15,000 लड़के जिनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, यहीं पर वो छट जाएंगे, यहीं पर आप इसी स्टेप में ही निकल जाएंगे बाहर, क्योंकि आगे जो स्टेप है ना ये लगभग सभी निकाल लेंगे भाई। फिजिकल स्टैंडर्ड है 165 हाइट मांगी गई है, तो आपका हाइट होगा तभी आप फॉर्म भरे होंगे, सीधी सी बात है। तो इसको आपको नहीं देखना, डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट हो गई, जो रिक्वायरमेंट मांगा था वो होगा, मेडिकल आपका है ही, तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये छोड़ दीजिए, स्किल टेस्ट पे फोकस कीजिए। उसके लिए जानना जरूरी है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तो वो भी बात कर लेंगे। तो देखिए स्किल टेस्ट में जो बेसिक है ना, वो अगर आप एएसआई के लिए फॉर्म डाले होंगे या फिर दोनों के लिए डाले हैं तो कोई बात नहीं, एएसआई वाले ध्यान दीजिएगा। आपका डिक्टेशन जो है ना वो 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपका डिक्टेशन होने वाला है, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, दोनों आपको देना है, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो 50 मिनट का होगा इंग्लिश में, और अगर हिंदी की बात करेंगे तो 65 मिनट ये आपको समय दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो ये आपका बेसिक आपका एएसआई के लिए है। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए डाले होंगे तो आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर हिंदी में डाले हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। ये तो बात हो गई आपका स्किल टेस्ट के लिए। अब बात करेंगे कट ऑफ के लिए। तो देखिए कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये 1458 टोटल सीट था, लेकिन अगर टोटल फॉर्म की बात करेंगे तो लगभग 23 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है। जी हाँ, 23 लाख, ये हमारे
देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है भाई, इसलिए कि हाइट भी यहाँ पर लोअर मांगा गया था, 165 हाइट थी। एजुकेशन भी मात्र 12th पास पे था, तो काफ़ी लोगों ने ये फॉर्म डाला और कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, तो 23 लाख फॉर्म गिरा था। अब अगर बात करेंगे एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कट ऑफ बढ़ाने और घटाने के लिए। तो मान लीजिए स्टूडेंट में अगर कितना भी होगा ना, तो लगभग 75 से लेकर 80% तक के लड़के बैठते एग्ज़ाम में हैं। अब अगर SSC GD की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरा था, लेकिन लड़के उस अनुपात में नहीं आए थे, तो लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई लड़के कम हैं, पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉमिनल पेपर हुआ है, तो हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो स्टेट वाइज अगर आप कट ऑफ उठा करके देखेंगे तो बहुत स्टेट में ना आपको 17 से लेकर 18 नंबर का पिछले बार का कट ऑफ में अंतर पड़ा है। अब मान लीजिए झारखंड बात करेंगे राजस्थान की, तो जैसे मान लीजिए 101 पे कट ऑफ गया है, तो वो अब इस बार 128 118 120 ऐसे ऐसे कट ऑफ गया बहुत सारे लड़कों का। भी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया हुआ SSC GD का, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चले गए, काफ़ी लड़के तो ऐसे ही डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये प्रेजेंट स्टूडेंट जो हैं वो बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी लड़के ऐसे भी हैं जो भाई SSC GD का भी फॉर्म भरे हैं, वो BSF का भी फॉर्म भरते हैं, वो CRPF का भी फॉर्म भरते हैं, वो आने वाली कई भर्तियों का फॉर्म भरते हैं। अब देखिए सिलेक्शन किस आधार पर होती है, तो ये प्रेजेंट स्टूडेंट हो गए। अब इसमें से जब आपका मेरिट बनेगी, तो मेरिट जो बनती है वो टोटल सीट का 10 गुना, मतलब 1458 टोटल सीट है, इसका 10 गुने लड़के, मतलब 15,000 के लगभग में लड़कों को बुलाया जाएगा। तो अब मान लीजिए 10 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है, अब उसमें से मात्र 15,000 लड़कों को छांट करके निकालना है, तो कितना ट्रिपिकल होता है छांटना। तो उसको छांटने के लिए मान लीजिए एक कट ऑफ अगर डिसाइड भी करेगी ना, तो हमारे हिसाब से लगभग 55 से लेकर 60 नंबर अगर आपका है, मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर 55 से 60 का बीच में है तो थोड़ा सा एक सेफ स्कोर आप मान करके चल सकते हैं। अगर इसके ऊपर है तब तो फिर तैयारी कीजिए स्किल टेस्ट की अच्छे से, ठीक है। ये जनरल की बात हो गई। OBC की बात करेंगे तो देखें OBC और जनरल में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता। मान लीजिए ये 55 है तो ये 50 के ऊपर मान के चलिए, 50 से 52 OBC वाले। SC ST की बात करेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आप मान लीजिए 45 तो लगभग मान करके चलिए 45 से एभव है, ऊपर है तो फिर सही है। SC ST वाले आप भी भाई 40-42 ऊपर ही चलिए, ठीक है, 40-42 कम से कम मान करके चलिए, इतना आपका कट ऑफ बनेगा। AWS वाले तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको भी भाई फाइटिंग करनी है, 50 से ऊपर रखिए नंबर आपका। अगर इतना आपका लगभग कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बन रहा है, तो फिर तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तैयारी कर सकते हैं आप स्किल टेस्ट की, और स्किल टेस्ट में ही काफ़ी लड़के छटेंगे, क्योंकि ये जो टाइपिंग मांगी गई ना वो थोड़ा सा हार्ड है। हिंदी टाइपिंग आपको मतलब 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए हेड कॉन्स्टेबल के लिए, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में देखिएगा 65 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन समय दिया जाएगा। तो ये सब एक्सपेक्टेशन है, कट ऑफ आपको समझ में आ चुका होगा कैसे बनेगी। तो 15,000 में अगर आपको लाना है अपना नंबर, तो वो अब समय ख़त्म हो चुका है, जो भी आपने पेपर दिया था उस पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी जानकारियाँ चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।